अस्सलामुअलैकुम। कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिस्म में मौजूद किसी भी हिस्से के सेल एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगते हैं। इस तरह जब ब्रेस्ट के सेल एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगते हैं तो इस कंडीशन को ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है, लेकिन इसके ज़्यादातर चांसेस फीमेल्स में होते हैं, यानी 100 में से 99 केसेस फीमेल्स के होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ज़्यादातर फैमिली में रन करती है, यानी अगर किसी फैमिली मेंबर को ब्रेस्ट कैंसर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके फीमेल ऑफस्प्रिंग में भी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो। इसके अलावा ओबेसिटी, स्मोकिंग भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को बढ़ाते हैं। इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको ब्रेस्ट में होने वाली चेंजेस को देख कर ऑब्जर्व किया जाता है, जैसा कि दोनों चेस्ट के साइज में डिफरेंस होना, निपल्स का सिकुड़ जाना, ब्रेस्ट की शेप में चेंज होना, निपल से ब्लड या वाइट मटेरियल का डिस्चार्ज होना या चेस्ट में कोई गिल्टी महसूस होना वगैरह। इन तमाम सिम्टम्स के ज़ाहिर होने के बाद डॉक्टर बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कैंसर को कन्फर्म करते हैं। बायोप्सी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक नीडल के ज़रिए अफेक्टेड एरिया यानी ब्रेस्ट के सेल्स का सैंपल लेकर इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व किया जाता है कि ब्रेस्ट में मौजूद एक्स्ट्रा सेल्स कैंसरस हैं या नहीं। ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर लंपेक्टॉमी और मैस्टेक्टॉमी का सहारा लेते हैं। लंपेक्टॉमी प्रोसीजर में ब्रेस्ट में मौजूद ट्यूमर्स और इसके आसपास मौजूद सेल्स को सर्जरी के ज़रिए निकाला जाता है। इसके अलावा मैस्टेक्टॉमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें पूरे कैंसरस ब्रेस्ट को बॉडी से अलग कर लिया जाता है और सर्जरी के अलावा कैंसरस सेल्स को ख़त्म करने के लिए कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी का भी इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरापी में स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसरस केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और रेडियोथेरापी में स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जाता है जिनकी मदद से कैंसरस सेल्स सिकुड़ कर ख़त्म हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।